हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। आई एम अमित दीक्षित। अगर आप कर रहे हैं टेट एग्जाम्स की तैयारी, तो टेट एग्जाम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लस से ज़रूर जुड़ें, जहां पर आप बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से रोज़ लाइव क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। 30 घंटे से भी ज़्यादा की लाइव क्लासेस और 20 से भी ज़्यादा बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप लाइव क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज, डाउट सेशंस और ईबुक्स और नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं आपके कंटेंट के साथ में। तो ज़रूर इसको कंसिडर करें पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन के लिए। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके साथ आप बहुत ही कम प्राइजेस पर इन प्लान्स के साथ बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओनली एट 900 रुपीज पर मंथ। ओके, सो डोंट मिस दिस चांस, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। ओके, सो आज हम आगे बढ़ेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, जैसा कि ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सी टेट को लेकर वो बातें जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कई लोगों के द्वारा और कई तरह के कन्फ्यूजन्स रहते हैं, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा सभी टी टेट सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, और जो ये आपको बाद में भी काम देगा जो सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद भी और पहले भी। तो जान लीजिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को कि क्या है ये प्रश्न। सो लेट्स डिस्कस। सो पहला प्रश्न यहाँ पर एक चीज़ है जो खुद सी टेट ने बताया है इन जानकारी को, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि क्या आफ्टर क्वालिफाइंग दी सी टेट एम आई एलिजिबल फॉर गेटिंग दी जॉब। सबसे ज़्यादा यह क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। तो यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग सी टेट वुड नॉट कन्फर्म अ राइट ऑन एनी पर्सन फॉर रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एज इट इज ओनली वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए दिमाग में अपने कि यहाँ पर अगर सी टेट आपने क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब कन्फर्म हो गई हो और आपको जॉब मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सी टेट का सर्टिफिकेशन आपको कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मदद करता है, ना कि आप अगर इसको क्लियर कर लेते हैं और सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कोई भी आपको जॉब दे देगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब के लिए जहां भी ये जॉब निकलती हैं, ये वेकेंसीज निकलती हैं, अगर आप सी टेट क्वालिफाइड हैं और उनका ये क्राइटेरिया है तो। ओके, उनका जो भी पात्रता है अगर, तो इसके लिए। लेकिन डायरेक्ट इसको क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी डायरेक्ट, तो ये बिल्कुल गलत सोचना है। ये एक सर्टिफिकेशन है जो आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको हेल्प होती है। ओके, क्लियर है, बिल्कुल भी इसमें डाउट मत रखिएगा, काफ़ी लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इफ आई क्वालिफाइड सी टैट विल सी टैट यूनिट एंड सी बी एस ई प्रोवाइड मी जॉब। तो यहाँ पर इसके लिए लिखा हुआ है, सी बी एस ई इज एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी ओनली, प्रोवाइडिंग जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट डज नॉट फॉल अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। सो इट्स वेरी क्लियर दैट यहाँ पर अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो सी बी एस ई आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि सी बी एस ई सी टेट को कराता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सी टेट क्लियर कर लिया तो आपको सी बी एस ई अपने यहाँ जॉब दे देगा किसी भी कैटेगरी में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी बी एस ई कोई जॉब नहीं देगा। मैंने आप फिर से कहा कि एक सर्टिफिकेशन है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सी बी एस, बस इतना ही रोल है, आपको जॉब नहीं देगा वो इसके बाद। ओके, क्लियर है। अगला है यहाँ पर, वॉट आर दी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ कैंडिडेट्स कैन अवेल फॉर सी टेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, टिल नाउ देर इज नो लिमिट ऑन दी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर अपियरिंग इन सी टेट। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप में से कई लोग पूछते हैं कि हम कितनी बार दे सकते हैं सी टेट। तो सी टेट को देने की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर सी टेट। तो आप जितनी बार चाहें दे सकते हैं, जो देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कम मार्क्स आते हैं तो दोबारा भी कई लोग पूछते हैं क्या मैं दे सकता हूं नंबर सुधारने, तो हाँ दे सकते हैं, आप जितनी बार चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ इन्होंने यही बताया है। आई एम श्योर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, वॉट इज़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी टेट सर्टिफिकेट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि सी टेट की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर काफ़ी लोग पूछते हैं कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्या लिखा गया है, देखिए, एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन फ्रेम बाय एनसीटी द वैलिडिटी पीरियड फॉर सीटेट सर्टिफिकेट इज 7 ईयर। तो 7 साल तक आपका सीटेट का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, और 7 साल, 7 ईयर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो
उस समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जहां पर सीटेट सर्टिफिकेट मांगा जाता है या सीटेट का स्कोर मांगा जाता है, ठीक है। 7 साल ध्यान रखिएगा, बहुत समय होता है, तो इसका बेस्ट ध्यान रखें और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछा जाता है और यहाँ पर यह लिखा गया है, कैन आई अप्लाई फॉर सीटेट अगेन इफ़ आई ऑलरेडी क्वालिफाइड सीटेट बिफोर। तो ये भी प्रश्न है कि अगर आपने पहले से सीटेट को क्वालिफाई कर लिया है तो क्या मैं दोबारा दे सकता हूँ। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, तो हाँ आप दे सकते हैं। अगर एक बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं और दोबारा देना चाहते हैं अच्छे नंबर के साथ या और भी जो आपका इच्छा हो, तो आप ज़रूर दे सकते हैं। यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप ज़रूर दे सकते हैं, क्वालिफाई करने के बाद भी दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं जब भी ये दोबारा होता है। ओके, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न था। और यहाँ पर लिखा है, कैन आई अपियर इन पेपर वन और पेपर टू इन डिफरेंट साइकिल। यस, ये तो सिंपल ही है, पेपर वन और पेपर टू के लिए आप कर ही सकते हैं अलग से। और देखते हैं यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। सपोज आई क्वालिफाइड इन पेपर इन क्वालिफाइड वन पेपर इन फेबररी एंड सेकेंड पेपर इन सेप्टेम्बर, देन वॉट वुड बी द ड्यूरेशन वैलिडिटी ऑफ माई सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर लिखा गया है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ सीटेट इज वैलिड फॉर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। हाउएवर द रिजल्ट ऑफ ईच सीटेट इज वैलिड फॉर इट्स रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। तो आपको ये बताया गया है कि जिस डेट पर आपका रिजल्ट आता है, चाहे आपने कोई भी पेपर दिया हो, पेपर या वन या पेपर टू किसी भी मद में, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 7 साल तक वो वैलिड रहता है। तो रिजल्ट डेट से 7 साल तक का समय तक वो वैलिड रहता है, चाहे आपने किसी भी मंथ में दिया हो। ये यहां पर बताया गया है, जिस मंथ में आपने क्लियर किया है, क्लियर रहिएगा इस चीज के बारे में। ओके, ये भी अच्छा प्रश्न है यहां पर। सो दैट्स इट, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, जो वाकई में जो रिलेटेड थे, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। ओके, एंड सर्टिफिकेट से लेके बाकी जो क्राइटेरिया हैं जो आपने पूछे थे, आई एम श्योर आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे इसमें, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण थे, मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। तो क्लियर।